पूरी दुनिया में एक नए देश की चर्चा शुरू हो गई है। इस देश का नाम है कैलासा। कैलासा एक काल्पनिक देश है, लेकिन यह एक हिंदू राष्ट्र होने का दावा करती है। हाल ही में दावा किया गया कि कैलासा देश को संयुक्त राष्ट्र में जगह मिल गई है, लेकिन यह दावा गलत है। दरअसल मानवाधिकार उल्लंघन मामले में संयुक्त राष्ट्र ने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति या समूह या संस्था जाकर अपनी बात रख सकती है, जिसके उल्लंघन पर दावा किया जा सकता है। इसी तरह कैलासा देश या समूह की ओर से एक प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में शामिल हुआ था। इसमें नस्लीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, अमानवीय बर्ताव, सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन जैसे 9 मानवाधिकार संधियां बनाई गई है। चलिए आपको अब कैलासा के बारे में जानकारी देते हैं। कैलासा देश को नित्यानंद ने स्थापित किया है, तो पहले आपको नित्यानंद के बारे में बताते हैं। नित्यानंद का जन्म 1 जनवरी 1978 को भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उसने 1995 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 12 साल की उम्र में ही उसने रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेना शुरू किया था। उसने देश में कई आश्रम खोले, लेकिन साल 2010 में उस पर धोखाधड़ी और अश्लीलता का मामला दर्ज कराया गया, लेकिन वह जमानत पर रिहा हो गया। इसके बाद साल 2012 में उस पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ, जबकि 2019 में उस पर लड़कियों के अपहरण का मामला दर्ज हुआ। नित्यानंद पर इतने मामले दर्ज होने के बाद वो देश से फरार हो गया। वही इसके बाद एक रिपोर्ट सामने आई कि नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के पास इक्वाडोर में एक आइलैंड खरीदा और उसे देश घोषित कर दिया। उसने देश का नाम कैलासा रखा, जिसे उसने हिंदू राष्ट्र बताया। कैलासा देश दुनिया भर में सताए गए हिंदू को सुरक्षा देने का दावा करता है। वही यहाँ लोगों की नागरिकता बांटी जा रही है। अब दावा किया जा रहा है कि कैलासा में 20 लाख अप्रवासी हिंदू रहते हैं। वही 150 देशों में कैलासा ने एम्बेसी और एनजीओ स्थापित किया है। कैलासा में अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल भाषा बोली जाती है। देश का राष्ट्रीय पशु नंदी है, राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। कैलासा का राष्ट्रीय ध्वज भी है, जिस पर नित्यानंद की तस्वीर भी लगी है। नित्यानंद को इस देश में भगवान माना जाता है। वहीं कैलासा ने अपना संविधान और अपनी करेंसी का भी दावा किया है। कैलासा में रिजर्व बैंक भी है। नित्यानंद को लेकर अब कई सवाल भी लोगों के मन में है। कैसा है, एक अपराधी देश छोड़कर भाग गया और उसने भारत में रहकर इतनी बड़ी संपत्ति बना ली कि आज वो खुद का देश बनाने का दावा कर रहा है। अगर वो एक अपराधी था और उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति थी, तो सरकार, सरकार की एजेंसी, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी।